वेलकम बैक टू जियो न्यूज। चलिए देखते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पार कर दिल्ली कूच करने की कोशिश में किसान, हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। किसानों के दिल्ली चलो विरोध मार्च में शामिल युवाओं के एक समूह ने अंबाला में शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिकेड से दूर रहने की अपील के बावजूद कई युवा पीछे नहीं हटे और बैरिकेड के ऊपर खड़े रहे। उन्होंने बताया कि जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोहे का बैरिकेड तोड़ दिया तो उसे घग्गर नदी के पुल के नीचे फेंकने की कोशिश की और पुलिस ने कहा कि आंसू गैस के कई गोले छोड़े गए और बाद में पुलिस ने आंसू गैस का गोला गिराने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। किसान आंदोलन की आंच अब दिल्ली मेट्रो तक पहुंची, बंद किए गए 8 स्टेशन। किसान आंदोलन का असर दिल्ली मेट्रो पर भी अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के 8 स्टेशन के गेटों को बंद कर दिया गया है। हालांकि इन स्टेशनों को नहीं बंद किया गया, यात्रियों को अन्य गेटों से प्रवेश और निकासी की इजाजत दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए गेट को बंद कर दिया गया। इससे पहले किसानों ने केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों से 5 घंटे तक हुई बैठक के बेनतीजा होने के बाद दिल्ली चलो का ऐलान सोमवार को किया था। सरसों की खरीद को लेकर हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इतने रुपए में बिकेगी सरसों की खेती करने वाले हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल का कहना है कि रबी सीजन के दौरान सरकार किसानों की सरसों, चना, सूरजमुखी व समर मूंग की खरीद तय MSP पर करेगी। इसके साथ ही मार्च से 5 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों के जरिए सूरजमुखी तेल की सप्लाई की जाएगी। इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोके अमेरिका, राफा पर हमले के बाद नाराज हुआ यूरोपीय संघ। राफा शहर पर हमले के दौरान इसराइल पर दुनिया भर से दबाव पड़ना शुरू हो गया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने मांग की है कि इसराइल के सहयोगी, खास करके अमेरिका, इसराइल के हथियारों की सप्लाई बंद करे। बोरेल ने कहा कि गाजा में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और बीते हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा था कि इसराइल की सैन्य कार्रवाई चरम पर पहुंच चुकी है। बोरेल ने बाइडेन के उस बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि लोग मारे जा रहे हैं तो आपको कम मात्रा में हथियार देने चाहिए ताकि कई लोगों को मरने से बचाया जा सके। सपा छोड़कर बीजेपी के साथ गए RLD ने सपा पर निशाना साधा, बोले राज्यसभा में सपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा लेकिन वोट पूरा का पूरा चाहिए। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवार पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन, जया बच्चन और पूर्व सांसद प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी आलोक रंजन ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं से पहले RLD के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया की है। भूपेंद्र चौधरी ने लिखा, 3 राज्यसभा की सीटों में से एक पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा समाजवादी पार्टी ने। हाँ, मास लीडर जया बच्चन जी आदि जा रहे हैं राज्यसभा, लेकिन वोट पूरा का पूरा चाहिए। मुसलमानों का अब और ज्यादा बोलूंगा तो कुछ लोगों के फर्जी सेकुलरिज्म को ठेस पहुंच जाएगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में योगी सरकार 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रोजेक्ट की कर रही है शुरुआत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 4.0 आयोजित कर रही है। इस सेरेमनी में योगी सरकार 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में देश के विकास को सतत गति दे रहा है। गो फर्स्ट को 60 दिनों में ढूंढना होगा खरीदार, NCLT ने बढ़ाई डेडलाइन। बंद हो चुकी विमानन कंपनी गो फर्स्ट की कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने 60 दिनों के लिए आगे खिसका दिया है। NCLT ने इसकी डेडलाइन आगे तब खिसकाई है जब इसे बताया गया कि 3 पार्टियों ने गो फर्स्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। NCLT को ये बात गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल RP ने बताई है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरफ से पेश दिवाकर महेश्वरी ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल किया और बयान राशि जमा किया। इसके चलते गो फर्स्ट के लेंडर्स ने बहुमत से CIRP को आगे बढ़ाने के पक्ष में अपना मत दिया।
राष्ट्रीय एससी आयोग ने संदेश खाली मामले का लिया संज्ञान, प्रशासन से 3 दिन के अंदर मांगी कार्रवाई की जानकारी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल के अशांत संदेश खाली क्षेत्र का स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रशासन को 3 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत मामले की जाँच करने का निर्णय लिया है। आयोग ने कहा कि आपसे अनुरोध किया है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करें। रिपोर्ट में घटना पीड़ितों और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी हुई सभी जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि संदेश खाली में स्थानीय महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने टीएमसी के नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर जबरन उनके जमीनों पर कब्जा करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाओं ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की भी मांग की है। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी सख्त, मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक से होगी वसूली, प्रशासन ने भेजा नोटिस। बता दें कि हल्द्वानी में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को राज्यसभा ने 2,44,00,000 रुपए का नोटिस भेजा है। राज्य सरकार ने यह नोटिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर भेजा है। अब्दुल मलिक को प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर उसकी भरपाई करनी होगी। कहा गया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन लगा करके ये नोटिस भेजा गया है। अब अब्दुल मलिक से सरकार इसकी वसूली करेगी और अब्दुल मलिक को भेजे गए नोटिस में नगर निगम ने 15 फरवरी तक का समय दिया है। इस अवधि में पैसा जमा न करने पर अब्दुल मलिक की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। फिलहाल अब्दुल मलिक फरार चल रहा है और अब्दुल मलिक को हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जिस जमीन पर ये विवाद हुआ था, इस जमीन पर अब्दुल मलिक का ही कब्जा था।